वो है ना, एक का नाम क्या है बाबू, साक्षी शायद है। देखो बाबू 152 नंबर, रोना नहीं है भोले, साक्षी बाबू आप पूजा भोले है ना, आराध्या बलोक नाम है, आराध्या बाबू, आराध्या दो तीन गो हो जाता बाबू। देखो क्या है, आई सर 0.1 और डिवीजन, अब मान लो 0.2 है, अब बच्चा थर थर कापेगा नहीं कापेगा, कहे ला कापेगा मेरा बच्चा। देखो कैसे करेगा, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये तो सब बच्चा को बताइए किए थे, डेसिमल को बाबू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने ला बताइए किए थे ना जी, क्या बनन्या। अच्छा डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे ला बताए थे ना। हाँ सर इधर देखो बताते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट बता देते हैं, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बाबू शाम को आपको 3 से 3:30 4 में बताया जाएगा। जैसे 0.1 है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 0.1 लिखेंगे और ये डेसिमल को हटा के नीचे 1 देना, और डेसिमल के बाद एक डिजिट ना तो 1 0, मतलब कितना करना 1/10 करना है ना। हाँ सर जैसे बाबू मान लो 0.3 है, ठीक ठीक बोले जल्दी लिखो बाबू अनन्या, तो बच्चे मेरे क्या करे, अभी लिखना नहीं है, अभी सर अभी आपके ऊपर सरस्वती जी बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले शांति से सुनना। इसका फ्रैक्शन कैसे करेगा, 0.3 है, डेसिमल हटाएगी बाबू है ना बाबू, और डेसिमल हटा के नीचे 1 देना, एक डिजिट के बदले 0, कितना करोगे 3/10 करोगे कि नहीं। ये तो समझ में आता अनुभव है ना। हाँ बाबू कि नहीं, आकांक्षा यादव वीडियो ऑन करो जी नेक्स्ट। हाय सर 0.12 है तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं डरेगा, काला डरेगा कि नहीं, त्रिशा नहीं डरेगी, क्या लिखेगी 0.12 लिखेगी है ना, ठीक सर। उसके बाद क्या करोगे है ना, डेसिमल को कौआ लेके चला जाएगा, कहाँ कौआ उड़ बउआ उड़ वाला हाल है कि नहीं है ना। हाँ सर तो डेसिमल को कौन लेके जाएगा, कौआ, तो डेसिमल हटेगा तो उसके बदले 1, और डेसिमल के बाद कई डिजिट, 1 2 डिजिट, तो डेसिमल के 2 डिजिट तो 2 गो 0, कितना हो जाएगा 12/100। इसी कंसेप्ट को भी यहाँ यूज करेंगे ठीक है ना, ये समझ में आएगा तभी यहाँ समझ में आएगा, नहीं तो ना समझ में आएगा, नहीं तो फिर पढ़ते रहना पूरा इंडिया में कहीं जाके ना, है ना बोला ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, ठीक बोले। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेंगे लवनिया है ना। हाँ सर 0.123 इसका कहेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बाबू है ना, साक्षी। हाँ सर ऐसुर भी शैतान, ए बाबू परिधि वीडियो ऑन करो जी, परिधि बीरेन सैतान वीडियो ऑन कीजिए बाबू, अभिनव बाबू वीडियो ऑन कीजिए, ए पाल बाबू ऑन करो जी, ये सब आधा बंद के ले रहा था बाबू, रिमूव कर देंगे नहीं तो फिर वीडियो बंद रहेगा बाबू, रिमूव कर देंगे, सीधा सी बात समझो जी, वीडियो वहां पे स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होगा, ऑन करो नहीं तो सीधे रिमूव, ठीक है ना। होता है क्या, वो वीडियो बंद रहता है तो पीछे अपना नागिन डांस शुरू रहता है, पढ़ना लिखना होता नहीं, अभी आकांक्षा वो प्रतीक कैसे नाम जो है ना, सर से बाल पकड़ा पकड़ी के लेते, इसलिए वीडियो ऑन बाबू। इसको फ्रैक्शन में करेगा, कैसे लिखेगा बच्चा मेरा 0.123, डेसिमल को कौआ कौआ लेके चला जाएगा, तो डेसिमल के बदले नीचे 1, इसके बाद 1 2 3 गो 0, 3 डिजिट है ना तो 3 गो 0, कितना हो जाएगा 1 2 3 डिवाइडेड बाय 100 है ना। हाँ सर जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से। आई सर की सर जैसे मान लो 12.235 है ठीक, अब इसको कहेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, कोई भी डिजिट कैसे भी रहे बाबू सारे का एक ही गीत गाना, अंशिका क्या कर रही हो जी, ए रवि द्विवेदी उधर क्या देख रही हो जी, सारे का वही गीत गाएंगे, 1 2 क्या लिखेंगे 1 2 2 3 5, यहाँ पे डेसिमल, अब डेसिमल को कौवा लेके चल गया, तो डेसिमल यहाँ से हटेगा तो क्या क्या घटना घटित होगी,
जैसे आप लोग नानी जाओ, नानी के यहाँ नतनी, अब दादी के यहाँ जाओगे पोती पोता, ठीक उसी तरह से डेसिमल यहाँ से हटेगा तो क्या बनेगा, डेसिमल के बदले नीचे वन। अब डेसिमल के बाद डिजिट देखना, 1 2 3, तो 3 गो 0 मतलब क्या, 1 2 2 3 5 डिवाइडेड बाय कितना, 1 ट्रिपल 0 है ना कि नहीं, हाँ सर बात तो सर कि नहीं, हाँ बाबू इतना तो समझ में आ गया। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, 999 बाबू, 0.9678, डरेगा नहीं डरेगा, काले डरेगा। ए परिधि वीडियो ऑन करो, भोली क्या लिखेगा, वही क्वेश्चन लिखेगा 9678, डेसिमल हटाएगा, हट गया तो डेसिमल के बदले नीचे वन बाबू। उसके बाद कई गो डिजिट है काउंट करो, डेसिमल के बाद काउंट करना, 1 2 3 4, तो 4 गो 0 हो गया। इसको सुंदर से कैसे लिखोगे, 99678 डिवाइडेड बाई 4 गो 0। अगर ये समझ में आ गया आपको है ना, तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या करना है बाबू, बीरेन भोला और गणेश बाबू और दोनों की सिस्टर 0.1 है सर, डिवीजन है सर 0.2 है। बच्चा मेरा डरेगा, पहले डेसिमल हटाएगा, हटाओ तो डेसिमल हटाओगे तो इसके बदले वन, एक बाद एक डिजिट एक वो 0, एरो में डेसिमल हटाओ तो डेसिमल हटाओगे नीचे वन, एक डिजिट एक वो 0, मतलब ये सुंदर सा क्या बनेगा, ऊपर 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, नीचे 10 हो गया डिवीजन, ऊपर 0 2 करना 2 ही होता बटा 10 हो गया। अब इस तरह का अभी ना डिवीजन सिखा जी, इस तरह का डिवीजन अभी नहीं सिखा बाबू परिधि, हाँ सर सिखाए तो थे सर, तो कुछ नहीं बाबू 1/10 लिखोगी सर अभ्या, और डिवीजन कैसे मल्टीप्लिकेशन में, ये उलट जाएगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उलट जाएगा, मतलब 10 बाई कितना, मारो मार धार करो, 10 10 मर गया, 1 1 ऊपर क्या बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा, 2 बचा, तो आंसर कितना होगा 1/2 है ना। हाँ सर मन से पढ़ा, रोद गेम खेल रहा है जी, रोद ढूंढ देंगे भोला, रोद बाबू जो बच्चा गेम खेले बाबू, देखो ये आप पूरे इंडिया में भोला कहीं भी ऑनलाइन क्लास करो, ओडा का बायजू का, वहां पे बाबू आप पीछे डांस भी करते रहोगे ना कोई देखने वाला, हमारे यहाँ कुछ भी करोगे सब बाबू कैमरे के निगरानी में है ना, इसलिए कुछ भी करोगे तुरंत पकड़े जाओगे बाबू, तुरंत मैसेज आता है। 153 नंबर, 0.2 डिवीजन कितना, 0.3, बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, काल बच्चा मेरा डरेगा, जो संग कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। ए ननिया अरे दुबे दी ऑन करो ना जी, खून सुखा देती है, अरे कैसे था ऑन करो ये बोर्ड गेम, वीडियो ऑन कर दी, अरे अभ्या दुबे दी को तो और कूटेंगे, बच्चा क्या करेगा 0.2 लिखेगा, डेसिमल हटाएगा, डेसिमल के बदले नीचे 1 आगे वो 0, एक डिजिट 1 0, 2 डिजिट 2 0, डिवीजन है डिवीजन करोगे 0.3 है, डेसिमल हटाएंगे बाबू, डेसिमल हटाओगे तो 1 दोगे, एक बाद एक डिजिट है ना तो एगो 0, अब तो जागा नहीं है, आगे 0 2 को क्या लिखेगा बच्चा, 2/10 डिवीजन 3/10, 0 3 को 3/10 लिखेगा, मास्टर अब मेरा बच्चा क्या करेगा, इसको बाबू डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेगा है ना, लिखो इसको आगे सुनकर, अब लिखे सरस्वती जी हट जाए बाबू, बच्चा सब लिखेंगे, ठीक है सरस्वती जी हट रहे हैं, लिखो लवनिया, ए लवनिया कहाँ गप कर रही हो जी, लवनिया लिखे बोली, गप करने में लगी हुई थी, निशान डन सर। निशान का खैर वीडियो नहीं ऑन होता। 153 नंबर, क्यों सर
2/10 है, और डिवीजन कितना बाबू? बीरेन गणेश बोला श्रव्य शैतान श्रेय बाबू, यही है ना जी। तो इसको सोल्व करने का एक ही तरीका बाबू, क्या है सर? 2/10 लिखेंगे परिधि, आई डिवीजन को कैसे मल्टीप्लिकेशन में है ना रुद्र, तो ये वाला नंबर वह पलट जाएगा अंश का भोले, 10/3 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इधर उलट जाता, 3/10 है ना तो उलट कर 10/3। अब देखो मरता है ऊपर नीचे, अगर बाबू कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देना, मतलब क्या बाबू? गणेश बोला ये 10/10 ऊपर नीचे सेम है, मर गया ऊपर 2 नीचे 10, तो इसका आंसर कितना होगा? 2/3 होगा। नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं कुछ कहना चाह रहे, सिंपल सा बाबू है ना, ये सब आगे आपको यूज होगा हायर क्लासेस में, तो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है। 0.5 बाबू और डिवीजन बोला मान लो 0.7, तो बच्चा डरेगा? कोई नहीं डरेगा है ना, कि नहीं बाबू? काले कोई डरेगा जी? मन से पढ़ना बाबू आकाश, ऐसी वाहन सोन करो जी। ठीक है बाबू, अब परिधि भोली कहाँ गई? हैप्पी वाहन करो जी। देखो बाबू चलिए क्या करेगा बाबू, कुछ नहीं करेगा, 0.5 है ना, लिखना नहीं बाबू, सरस्वती जी ऊपर हैं। डेसिमल हटाएंगे, हाँ तो डेसिमल हटा के क्या करेगा, डेसिमल के बदले 1 लिखेगा, इसके बाद एक डिजिट आएगा 0, यहाँ से भी डेसिमल हटाएगा, ये ऐसे समझो कि कौआ लेके जा रहा है, कौआ उड़ बउआ उड़, तो डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बदले नीचे 1, एक डिजिट है तो 1 0, मतलब इसको साफ साफ अब कैसे लिखोगे? 5/10 डिवीजन 7/ कितना 10 है ना, ठीक है। अब इस तरह का डिवीजन नहीं पढ़ाया बाबू, लवण्या अस्मायरा पढ़ाए ना बाबू, पीछे क्या देख रहे हो साक्षी? ठीक, इस तरह के तो डिवीजन पढ़ाए हैं जी। हाँ सर, कैसे पढ़ाए बाबू? 5/10, ये डिवीजन किस में? मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन किस में? मल्टीप्लिकेशन में, तो एक बाद वाला नंबर वह उलट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 10/7 हो जाएगा, आता ना समझ में? अब क्या करेगा, ऊपर नीचे सेम है तो मार दो, तो 10/10 मर गया, ऊपर कितना 5 है नीचे कितना है 7 है, तो यही आंसर होगा, क्या होगा? आंसर होगा है ना, ठीक बोल। सरस्वती जी हट जाइए, लिखे लिखो बोला, आगे समझाते हैं। कहाँ गए? पी ऑन करो ना जी, आप DIY दीजिए। बहुत पिटेंगे रहा द्विवेदी, वीडियो बंद के लिए इसको रिमूव ही करें, फायदा है आधा गरीब बंदे के लिए रहती है, सर अभी 20 मिनट है। सर अभी बहुत टाइम है। परिधि अगर आप पढ़ा परिधि रहे हैं। कहाँ भूली, चल गई जी ये परिधि? सर ए परिधि चल गई जी, सर ऐसे तो आंसू भी बड़ी चिल्लाती है बुला रहा है। लिखो शिवांश बैठे हुए जी, सर 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 मैं फिर से आ गई। डर जल्दी से डर लिखिए, सर हाँ जी बोलिए बाबू, बोलिए बाबू गणेश। सर सर मैं शिवांश मैंने लिख लिया। आई अच्छी बात है, हाँ हैव डन सर। आई हैव सर डन सर। बाबू ओ द्विवेदी वीडियो ऑन करो जी, बोलो मैं सर सर दिक्कत हो अभी ना, बोलिए गया। बाबू अभी ना, आई हैव बोलिए। अच्छा डन सर। आई हैव डन सर लिखता हो गया। ठीक, हल्ला नहीं 2505 बच्ची है बाबू, नहीं नहीं बच्ची, उसको अभी नहीं यूज करने आता। उस बच्चे का नाम क्या जल्दी है लिखिए, जिसका नाम? ओके
कौन सी भी है। चार बच्ची का आंवले नाम बाबू पर साक्षी है। हाँ छोटी आता हूँ। फोर्टी रटा सर एच जल्दी लिखे पी साक्षी बोली। और एक हर अध्याय सर मेरा एक और क्या कहेंगे जल्दी जाइए जल्दी। संधि का कब हो गया। तो देखो फिर से समझाते हैं। समझ में आता अर अध्याय चेन्नई बाबू। समझ में आता अर अध्याय चेन्नई। यस सर अरे इसमें तीन चार सर अर अध्याय बाबू, क्या इसीलिए सर बाबू है आपका स्टेट वाइज नाम हम सर लोग कॉल करते हैं। अराध्या कौन चेन्नई, सा अराध्या भुवनेश्वर, अराध्या दुर्गा जी, अराध्या द्विवेदी द्विवेदी। जल्दी लिखिए। चलो कौन चले ठीक है। सा ताक्षी, ताक्षी कहाँ गई? ताक्षी ऐसा आप क्या बैठ होगा के करी स्वामी? अभी आपका कहाँ टाइम है खीरा जी सोमिया? खा लेता है। सोमिया यस सर सौम्या आप क्या बैठ के करी जी? मयंक नहीं सर अभी आई हूँ मैं क्लास के लिए। को भेजे, मयंक को। चलो जिसको सर नहीं, मैं तो लिख चलो ठीक है बाबू, रही हूँ सर जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। सर आप मुझे क्यों बोल रहे थे राव द्विवेदी राव द्विवेदी बताइए सर क्या हुआ। आप ज्यादा हल्ला करते हो। सर मैं देखो क्लास बाबू हल्ला नहीं, सर आप बस चलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और बाबू है ना, अभी है हम लोग के पास टाइम बाबू। तो मन से पढ़ना बाबू, अराध्या चेन्नई और ताक्षी बीकानेर शायद है ना भोले, साक्षी भुवनेश्वर। देखो हमको क्या सर डेसिमल का बाबू कंटिन्यूड डिवीजन है, तो ये सब तो जिंदगी में कभी पढ़े भी नहीं किए थे, नहीं कभी पढ़ा था। हाँ सर नहीं पढ़े तो सीखो, पढ़ाते हैं है ना ठीक। फिर अब लिखना नहीं है सारा, बच्चा बाबू शांति से पहले सुनेगा समझेगा है ना बाबू, जब लिखने के लिए कहेंगे तभी लिखिएगा ठीक सर। अभी लिखोगे बाबू तो सरस्वती जी बुरा मान जाएंगे, तो फिर आपको श्राप दे देंगे है ना। कितना नंबर होगा बाबू? 152, 53, 54 हो जाएगा जी। देखो 0 पॉइंट बाबू 1 2, और डिवीजन बाबू 0 पॉइंट बाबू 1.2। अब बच्चा डरेगा, डरेगा नहीं डरेगा, जो कॉन्सेप्ट सिखाए वही करना है कि नहीं है ना बाबू? जो सिखाए बाबू लावण्या वही सीखना, ज्यादा कुछ नहीं। पहले इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 0.12 डिवीजन कितना 1.2 है। डेसिमल को कौन लेके जाएगा? कौवा के लेके चल गया, कौवा उड़ गया तो उड़ जाएगा तो कुछ छोड़ेगा ना जी, मेहमान जाएंगे बाबू तो कुछ दे के जाएंगे ना, तो क्या देते हैं सोहम से का? डेसिमल के बदले नीचे 1 और 2 डिजिट है तो 2 गो 0 ठीक ठीक बहुत। यहाँ पे डेसिमल को गायब करो जी है ना सोहम हर्षदीप शैतान ठीक बोला, तो क्या होगा बाबू? डेसिमल को कौवा लेके जाएगा तो क्या देगा? डेसिमल हटाओगे नीचे 1, एक बाद 1 डिजिट है वो 0। अब इसको थोड़ा सा साफ सुथरे लिख लो, क्लीन राइटिंग में लिख लो पी, तो 12/100 डिवीजन 12/ कितना 10। कितना कर लिया? तो ये बोला तो डिवीजन सिखाइए रहे थे 3 दिन 4 दिन से। हाँ सर सिखा रहे थे ना। हाँ बाबू 12/100 डिवीजन किस में? मल्टीप्लिकेशन में। तो ये वाला नंबर पलट जाएगा अंशिका, ए अंशिका शैतान भुवनेश्वर पलट जाएगा, तो 10/12। अब नीचे ऊपर नीचे सेम है बाबू, तो मार धार करो। कहाँ गया था ना गेम खेल रहा जी, कूट देंगे पकड़ के। ये 0 0 कैंसिल, ऊपर 0 नीचे 0 कैंसिल होता है,
कि नहीं भोले आया बाबू, है ना, आराध्या चेन्नई, फिर 12 12 कैंसिल, तो पर क्या बचा सर, वन बचा, नीचे 1 10, कितना 1 10, है ना। हाँ सर, नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वह अभी लिखना नहीं है, सरस्वती जी बुरा मान जाएंगे। लिखोगे बाबू, नंबरिंग आप लोग सही कर लेना हो सके तो। जैसे क्या है सर, 0.13 और डिवीजन 1.3, तो बच्चा डरेगा? कोई बच्चा मेरा नहीं डरेगा, है ना, निशांत भी नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। देखो रुद्र शैतान, अब बाबू अनुभव, कैसे बच्चा करेगा, 0.13 डिवीजन 1.3, है ना, डेसिमल को लेके उड़ा दो कि नहीं बाबू, ताक्षी, डेसिमल जाएगा तो क्या दे के जाएगा स्वस्तिका, 1 और 00, यहाँ से भी डेसिमल जाएगा, प्रीसा शैतान तो क्या दे के जाएगा, 1 एक डिजिट है तो 1 0, मतलब 13/100 डिवीजन 13/10। अब इसको सोल्व कर तो बताइए क्या ना बाबू, आकांक्षा अस्मायरा, है ना बाबू, जहाँ जो नहीं अभी फेर कर रहा अस्मायरा बोली यार बाबू, तो ढूंढ देंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो ये उलट जाएगा, 10/13, ऊपर नीचे सेम है, मारो 13 13 मर गया, 0 0 मर गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 10, तो यही क्या है आंसर, है ना। हाँ सर, अल्लाह नहीं बाबू, नेक्स्ट बाबू। ठीक, तो कल बाबू सारे बच्चे को बोला ये एक्स्ट्रा क्लास के लिए बाबू 3:32 बाबू, है ना, 4 PM तक आधा घंटा आना है सारे को शाम में, जिसका टाइम नहीं मैं छोड़ा भोला, तो कुछ दिन बर्दाश्त कीजिए आप लोग, एकाम मंथ आइए, इसमें सब्ट्रैक्शन सिखा देते हैं, और अगर किसी का टाइम नहीं मैं छोड़ा बाबू, तो आपका जब स्कूल डे हो जाएगा ना, तो उस टाइम में आपको सुबह 6 बजे से कर देंगे, अभी इसमें हमको एगो सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है बाबू, तो सारे बच्चे को आना कितना से, 3:30 to 4 PM शाम में आधा घंटा, जिसमें क्या पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो आज एक क्लास हुआ है, बहुत कम बच्चा है, तो थोड़ा सा पढ़ाएं, कल रिविजन करवा देंगे, नहीं आओगे पीट देंगे पकड़ के, फिर सब्ट्रैक्शन आपका कमजोर रहेगा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो शांति से सुन लो लवनिया शैतान, आज नहीं आई थी लवनिया, कल आना बाबू 3:30 से 4 बजे, क्योंकि सुबह में बाबू क्लास ले रहे थे तो सारे बच्चे बाबू कोई 5:50 में, कोई 5:40 में स्कूल जा रहा था, तो आ नहीं पाता था सही से, तो एक आम मंथ इस टाइम में आइए, जब स्कूल आपका डे हो जाएगा 7 बजे 8 बजे से, बहुत सारे का बाबू 6 बजे, कोई 5:30, तो उस टाइम में आपको सुबह कर देंगे 6 7 बजे से, अभी फिलहाल 1 मंथ इसी में आना, जिसको दिक्कत है बाबू, है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम एडजस्ट किया जाएगा। चलो अब आप लोग लिखो, अब आप लोग लिखिए, सारे बच्चे को इसी टाइम में आना। हाँ बाबू, अच्छा ठीक है, आप लोग सही कर लेना, कितना नंबरिंग होगा, 155 होगा वहाँ पे सर, फोकस मोड हटा दीजिए, हल्ला नहीं, सबका चेहरा देख, चलो लिखो लिखो, हल्ला नहीं, लिखो बाबू ठीक है, साक्षी सुन ली, 3:35 जो कंफर्टेबल हो आइए बाबू, नहीं आओगे उसको कॉल जाएगा, देखते हैं क्या समस्या नहीं है। सर मेरी स्कूल सुबह 4 बजे से, अच्छा ठीक, हल्ला नहीं, 4 बजे किसका स्कूल होता है, बाप रे, लगता हल्ला सारे नहीं बच्चों का जी, खर्चा होगा, नहीं पाया।
आपको बाबू इसका फेयर कर लेना है। होमवर्क है है, डीआईवाई जाइए आप लोग जिंदगी जीजिए। मैं भगवान।